Welcome to my channel Bit to Technical. Please subscribe and press the bell icon. हेलो एंड वेलकम दोस्तों, तो आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल बिट्टू टेक्निकल में और मैं हूं आपका दोस्त बिट्टू मंडल। तो चलिए देख लेते हैं, आपको तो पता ही चल गया कि हम लोग फेक के KYC जो पेटीएम में मैंडेटरी हो गया है वो कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। और आपको पता है कि हम जब तक KYC का जो कंप्लीट नहीं करेंगे पेटीएम में, तब तक हमारा अकाउंट में हम पैसा रिसीव या फिर सेंड कुछ भी काम नहीं कर सकते। तो जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, मैं अपना पेटीएम में लॉगिन होता हूँ। अगर कोई भी है जो जिसका 18 साल नहीं हुआ वो भी पेटीएम से KYC कंप्लीट नहीं कर सकता है RBI गाइडलाइन के रूल के मुताबिक। और बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि उनका पैसा KYC के लिए जो है प्रोसेसिंग में पड़ गया है और वो रिसीव नहीं कर सकते उन पैसे को जिसको आप कैशबैक लेना चाहते हैं। और कैशबैक आपके पेटीएम में जब तक आप KYC कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आप देखिए, मैं यहाँ पे अपना पेटीएम ओपन कर लिया और यहाँ पे पेटीएम बैंक में जाता हूँ। तो देखिए मेरा यहाँ पे डेबिट कार्ड है और मेरे अकाउंट में बैलेंस है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं मेरा तो पेटीएम का जो है KYC डन है। आप यहाँ पे देखिए, मैं अपने अकाउंट में जाता हूँ और KYC मैंने कर लिया है। तो देखिए मैं यहाँ से एक्सेप्ट भी कर सकता हूँ मनी और पेमेंट भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं अपना यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है KYC और मेरा 18 साल नहीं हुआ था इसलिए मैंने चेकिंग करने के लिए मेरे घर के जो जिसका 18 साल हुआ उससे मैंने उसका जो है पैन कार्ड से मैंने ये KYC कंप्लीट कर लिया। और आपको मैं सिखाऊंगा फेक KYC कैसे करना है। तो सिंपली मैं यहाँ पे लॉग आउट कर लेता हूँ और जिस भी अकाउंट पे मैंने KYC करना है आप उस अकाउंट पे लॉगिन कर लीजिए। मैं लॉगिन कर लूँ तो आप लोग देखिए मैं लॉगिन कर रहा हूँ मेरे अकाउंट में। देखिए आप यहाँ पे मेरा KYC कंप्लीट नहीं हुआ है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कंप्लीट KYC का ऑप्शन आ रहा है, आप माय अकाउंट में क्लिक करके देख सकते हैं। और यहाँ पे कंप्लीट KYC का ऑप्शन दे रहा है। तो देखिए यहाँ पे मेरा आधार कार्ड को दे रहा है लेकिन मैं यहाँ पे आधार नंबर दूंगा तो ये नहीं होगा और बोलेगा कि मेरा आधार कार्ड जो है लिंक जो है KYC करने के लिए वैलिड नहीं है क्योंकि मेरा 18 साल नहीं हुआ है। तो आपको सिंपली जो है लॉगिन करने के बाद इसे प्रेस करके एग्ज़िट करना है, उसके बाद फिर लॉगिन करना है। तो फिर लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे मिनी KYC का ऑप्शन मिलेगा। देखिए तो अगर नहीं आ रहा है तो आप फिर से लॉग आउट कर लीजिए। मैं फिर लॉग आउट कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने फिर से लॉगिन कर लिया। आपको करते रहना है जब तक कि वो मिनी KYC का जो फॉर्म आपके पास नहीं आ जाता है। देखिए यहाँ पे हो गया, मैं इसे क्लोज कर देता हूँ और इसे हटा के मैं इसे फिर से ओपन करता हूँ। ये पेटीएम ओपन हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे मेरा KYC 20% कंप्लीट कर लिया है। आप यहाँ से देख सकते हैं माय अकाउंट में जाके देखिए मेरे प्रोफाइल का कम्प्लीटनेस
20% हो चुका है, और मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में जाऊँगा तो मेरा आधार नंबर पूछेगा, तो आपको ये नहीं पूछेगा, आप क्लोज जो है लॉग इन करके क्लोज कर देना, तो आपका जो है जो KYC है वो मिनी KYC का एक फॉर्म आएगा, और आप वहाँ पे जाके आप पैन नंबर चूज़ कर लेना और पैन डिटेल का चूज़ करना और आधार कार्ड का मत चूज़ करना। जैसे कि यहाँ पे मेरा मैंडेटरी आधार कार्ड ही आ रहा है, तो देखिए आधार का OTP आएगा और मेरा यहाँ पे एज रिस्ट्रिक्टेड जो है दिखाएगा, तो एज बिलो 18 होने के लिए यहाँ पे देखिए एज वैलिडेशन वैलिड फेल्ड हो गया, तो ये मेरा कंप्लीट कर लिया है मैंने, इसलिए यहाँ पे आधार कार्ड ही लेगा ये और मेरा और कुछ भी नहीं लेगा। तो अगर आपका जो है पैन कार्ड का ऑप्शन आ रहा है कि पैन कार्ड आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ गूगल में जाके कि कैसा दिखाएगा, पेटीएम KYC पैन कार्ड, तो मैं आपको गूगल से इमेज दिखा देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कैसा ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे तो मुझे खास नहीं दिख रहा है कुछ, देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे एक है, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, मैं ओपन करके दिखाता हूँ, तो आप देखिए ऐसा कुछ आपको ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ पे वोटर आईडी पैन कार्ड पासपोर्ट, तो आपको पैन कार्ड में सिलेक्ट करना है, और पैन कार्ड सिलेक्ट करने के बाद आपको ये नंबर पैन नंबर दे देना है, मैं आपको ये नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, देखिए ECD PK, और आपको कुछ भी नंबर दे देना है, 4 नंबर मैंने रैंडमली 6766 दिया है, आप यहाँ पे कुछ भी देख सकते हैं, जैसा कि सॉरी आपको सब कैपिटल में देना है, ECD PK और 9100H, आपको ध्यान रखना है लास्ट में H देना है, और आप पहले ECD PK देना है, और नंबर आप कोई भी दे सकते हैं, और देने के बाद आपका नाम दे देना जो पेटीएम से लिंक है, वही नाम आपको देना है, और देने के बाद आपका KYC कंप्लीट हो जाएगा 1 साल के लिए, आप वहाँ पे दिखाएगा 1 साल के लिए आपका मिनी KYC कंप्लीट हो गया है, और आप कैश रिसीव कर सकते हैं, आप वहाँ से कैश रिसीव कर सकते हैं, और कैश रिसीव करने का एक फ़ायदा है मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा, और दूसरी वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप लोग तो लाइक ही नहीं करते मेरे वीडियो को, पहले लाइक्स आते थे लेकिन अब नहीं आ रहे हैं, तो मैं आपको इस डील के बारे में बताऊँगा, यहाँ पे अगर आप फर्स्ट KYC कंप्लीट करेंगे तो आपको 50 रुपीज़ का कैशबैक मिलेगा रिचार्ज के, मोबाइल प्रीपेड रिचार्ज के, और आप फ्री से जो पेटीएम का जो ऑफर चल रहा है फर्स्ट KYC डन करने पर आपको फ्री में पेटीएम मॉल से प्रोडक्ट भी मिल जाएगा, तो आप नीचे देखिए जाके पेटीएम मॉल में, और यहाँ पे लिखा है आपको फेसबुक सॉरी पेटीएम मॉल का फ्री कैशबैक ऑफ़र, और फ्री कैशबैक ऑफ़र जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, और मैं आपको प्रूफ भी दिखाता हूँ कि आप मैंने पेटीएम से जो है फ्री में ऑर्डर कर लिया है, और मेरे पास 2 प्रोडक्ट आ चुके हैं और मुझे सब कैशबैक मिल चुका है KYC करने के बाद, तो मेरा एक दूसरे अकाउंट से मैंने बुक किया है शॉपिंग, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि देखिए ये शिपिंग में आ गया है, ये प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर किया है जो है कैशबैक मुझे 199 रुपीज़ का कैशबैक, और यहाँ पे टोटल देखिए यहाँ पे मैंने बुक किया है और सब कैशबैक मुझे मिल गया है, तो आप भी ऑर्डर कर सकते हैं, कैसे करना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन को दबा देना, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।